आज हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैनल डिस्कशन लेके आए हैं आपके सामने, जो हमारे टॉप टीचर्स हैं इंडिया के, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे टोटल चार लोग हैं। सबसे पहले जरूरत होती है फिजिक्स में कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं क्या उसको ठीक से विजुलाइज किया। बच्चों को ये चीज तो जरूर करनी चाहिए कि अपना फॉर्मूला शीट खुद प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैनल डिस्कशन लेके आए हैं आपके सामने, जो हमारे टॉप टीचर्स हैं इंडिया के, जो हमारे जनकपुरी दिल्ली सेंटर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाते हैं, वो सारे आज हमारे साथ हैं बच्चों। और ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ वीडियो लेने के बाद, और वो सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किए हैं। और आज जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इन टीचर्स को, बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस करे हुए हैं, ये सब मिलके आपको आज सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर करेंगे, है ना, एंड वी विल आंसर एवरीथिंग। तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों। हमारे साथ सबसे पहले तो अब्दुल सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, अब्दुल सर के साथ बैठी है मानवी मैम, वो भी फिजिक्स पढ़ाती हैं हमारे जनकपुरी सेंटर पे। देन वी हैव वेंकटेश सर जो जूलॉजी पढ़ाते हैं। देन वी हैव अजय सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। दीपाली मैम बॉटनी लेती हैं। एंड देन वी हैव सचिन सर आल्सो जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। यस, सो क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे टोटल चार लोग हैं, है ना, और जितने भी आपके स्ट्रेस हैं आपके फिजिक्स को लेके, उस सबको हम लोग आज बस्ट करेंगे। और यस, वी हैव अ ग्रेट पैनल फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एज वेल। तो हर एक टीचर से हम लोग कुछ कुछ सवाल पूछेंगे बच्चों, गाइडेंस से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड, और टीचर्स आपको मदद करेंगे हर एक चीज में, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सचिन सर के साथ। हाय सचिन सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं सचिन सर से सेंटर पे मिल भी चुका हूँ, जनकपुरी सेंटर, जैसा कि आप बच्चों को पता होगा, एक बार मैं गया भी था, सारे टीचर्स से मिलके आया था मैं, और बहुत हार्ड वर्क वहाँ पे चल रहा है, और आप लोगों की अच्छी रैंक प्रोड्यूस करने के लिए टीचर्स बहुत वहाँ पे मेहनत करते हैं। तो सचिन सर, आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे, जो ज्यादातर फिजिक्स के बच्चों के मन में होता है, राइट, जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, कि सर हम लोग थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, है ना, हमने एक बार पलट लिया, फॉर्मूले वगैरह याद हो गए, बट जब क्वेश्चन लगाने जाते हैं ना, तो कई बार फंस जाते हैं और क्वेश्चन नहीं हो पाते हमसे, सर इसका क्या आप गाइडेंस देंगे बच्चों को? सबसे पहले जरूरत होती है फिजिक्स में कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं क्या उसको ठीक से विजुलाइज किया आपने, क्या आपने अपने डे टू डे लाइफ, अपने कॉमन सेंस के साथ आपने जो चीजें देखी हैं, समझी हैं, एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ आपने उस कॉन्सेप्ट को इम्बाइब किया, कनेक्ट किया। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके सामने जब क्वेश्चन डायलॉग के फॉर्म में आता है तो आप उसको अपने कॉमन सेंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं, और तभी आप उस क्वेश्चन को डिकोड करके आपके लिए सही फॉर्मूला कौन सा होगा और उसमें आपको किस तरह से प्रोसीड करना है वो आपको समझ में आएगा। एक बात और होती है वहां पर जरूरी सर, अक्सर फिजिक्स के क्वेश्चंस में नहीं, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा लागू होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको अगर आपने गलती से इग्नोर कर दिया तो वो ट्रिक करने के लिए दिया हुआ होता है। तो उन बातों को बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते वक्त नोट करना चाहिए और फिर प्रोसीड करना चाहिए। जैसे कि सर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है साफ साफ, बट वो इनकरेक्ट आप इग्नोर कर देते हो और आप जो करेक्ट दिखता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिखा उसमें टिक करके आगे बढ़ जाते हो, है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक चीज और है बच्चों, कि फिजिक्स में ना आप कोशिश किया करो कि जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, इतना बड़ा अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, ट्राई टू मेक अ डायग्राम वहां पे, तो आप डायग्राम बना के कई बार विजुअलाइज भी कर पाते हैं और आपको अगला स्टेप पता चल जाता है कि ओके ऐसे ऐसे इसको अप्रोच करना है। ग्रेट, तो अगला सवाल हमारा रहेगा अब्दुल सर से, वो भी हमें मतलब बच्चों को फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। सर, बहुत सारे बच्चों का ना कमेंट आ रहा था मेरे पास कि इस बार थोड़ा टॉपिक्स वगैरह डिलीट हुआ है, चलिए फिजिक्स में तो बहुत कम ही डिलीट हुआ है, बट क्या इससे हमारा नीट 2024 का जो लेवल है वो क्या ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, सेम रहेगा, आपको क्या लगता है सर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सारे बच्चे? तो जैसे सर ने अभी बताया कि इस साल काफी एडिशन हुआ है हमारे सिलेबस में, और उसको लेके काफी बच्चों को ये डाउट भी आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर मेरी एडवाइस मानो, मेरी पर्सनल एडवाइस मानो, तो जो पहले सिलेबस था आपका, आप उसी को ही फॉलो करें,
क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि सेक्शन बीवी आता है हमारा, तो हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस या फिर जो भी टॉपिक आपको दे रखा था, जो रिलेटेड आप समझ रहे हो, वो सेक्शन बी में देखने के चांसेस हैं। और जाहिर सी बात है, देखो कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा है, जो भीड़ कर रही है उससे अलग हटके करना पड़ेगा, अगर हमें भीड़ से अलग अपना रिजल्ट लेकर आना। तो सारे बच्चों को अभी ये लग रहा है कि भाई ये मेरा टॉपिक कट हो गया, अब ये मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा थोड़ा सा लोड कम हो गया है ना, हम आसान वाला काम करना चाहते हैं। लेकिन वहीं से आप अलग दिख पाओगे अगर आप उस टॉपिक को भी करते हो, जो कि सेक्शन बी में मुझे लगता है आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो आप वो अटेम्प्ट करके अपने आप को अलग दिखा पाओगे, तो आप एक अलग कैटेगरी में या फिर जो टॉपर वाली कैटेगरी हम कहते हैं उसमें आप तभी आ पाओगे। तो पेपर का लेवल अप या डाउन वो तो होते रहता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ा। आपको ये चीजें करी गई हैं तो उस पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। तो सर ने ये बोला कि भाई पेपर का लेवल के बारे में मत सोचो, है ना। अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, और अगर इजी भी आता है तो सबके लिए इजी होगा, और उसके बेसिस पे ही रैंकिंग्स वगैरह बनती हैं। तो बच्चों अपना बढ़िया मेहनत करिए, कंटेंट को अपना बढ़िया से ग्रास्प करिए, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल बी फाइन विद इट। शायद अब्दुल सर क्या स्टक हुए थे क्या? अभी सही है सर अब्दुल सर, आपकी तरफ से सब कुछ वर्किंग फाइन? सर हाँ, अभी बीच में थोड़ा लैग हो गया था। अच्छा अच्छा, मेरी क्या वो सब क्लियर गए, वो रुक गया था। नहीं नहीं, सही था सर, सही था, और मैंने रिपीट भी कर दिया जो आपने बोला, सो ऑल गुड। ओके, सो कमिंग टू मानवी मैम नाउ। मानवी मैम, फिजिक्स में ना कई बच्चों को ये परेशानी रहती है कि इतने सारे हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं, है ना, तो उनको कैसे हम याद कर पाए, क्या सही प्रोसेस होना चाहिए, और कैसे बच्चे इतने सारे फॉर्मूले याद कर पाएंगे? एप्लीकेशन तो चलो ठीक है, वो कर लेंगे मेहनत करके, याद कैसे रखना है? इसके लिए ना सर, बच्चों को ये चीज तो जरूर करनी चाहिए कि अपना फॉर्मूला शीट खुद प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। होता है कि हम लोगों को ना अवेलेबल हो जाता है, नेट पे भी बहुत सारे सोर्सेज होता है, बट जब तक मैं खुद नोट डाउन नहीं करूंगी वो चीज तो मुझे याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला तब तक याद रह रहे हैं मुझे जब तक मैं वो चैप्टर कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, बट अब वो चैप्टर छोड़ के तो मैथ वाले चैप्टर पे जाऊंगी, उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया नहीं है। तो जब हम वो चैप्टर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मुझे उस टाइम पे उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है और उसका फॉर्मूला शीट भी बनाना बहुत जरूरी है, सो दैट कि वो जो बल्क वाला काम होगा ना मेरा एग्जाम टाइम पे, तो मेरा वो बच जाए। तो ये चीज बच्चों को मस्ट करना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हमेशा बच्चों को बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, कितना पिक्चर वाली मेमोरी भी बन जाती है जो हमने खुद से लिखा होता है और बार बार पढ़ते हैं, तो एग्जाम वाले दिन वो सारा कुछ दिखने लग जाता है और जल्दी जल्दी चीजें याद आने लग जाती हैं। तो बच्चों किसी और के नोट्स पे रिलाई करने से बढ़िया है कि अपने नोट्स बनाइए आप लोग। ग्रेट। तो बच्चों ये जो हमारा सेंटर है जनकपुरी में, जब मैंने वहां पे विजिट किया था, मैंने देखा, देखो डाउट्स बहुत आते हैं आप लोगों को, है ना, जब आप प्रिपरेशन करते हैं। देखो जो पढ़ेगा उसको डाउट आएगा, जिसको डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब या तो वो सब कुछ जानता है या तो वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता और वो मेहनत भी नहीं कर रहा है, राइट। तो सब कुछ जानता वाली कैटेगरी में शायद हम लोग नहीं है, है ना, वरना हम पढ़ाई क्यों करते। तो आप ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में हो कि आप पढ़ रहे हो तो डाउट्स आएंगे। सेंटर पे आपके डाउट्स पर्सनल लेवल पे जो मास्टर टीचर्स होते हैं वहां पे वो क्लियर करते हैं, और मैंने अपने आंखों के सामने वो सेटिस्फेक्शन देखा था बच्चों के मन में जब वो अपने डाउट्स वहां पे आंसर करवा पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। तो अजय सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और थैंक यू सो मच गौरव सर कि हमारी पूरी टीम, अपनी जनकपुरी टीम को आप सर अपने चैनल पे प्रमोट भी कर रहे हैं सर, और अच्छा लगा, हम लोग थोड़े से एनर्जाइज भी हैं इन चीजों को लेके। बिल्कुल सर, जब हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं कहीं पे तो वो बताना भी बनता है सभी को कि कितनी क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि वेदांत कितना अच्छा आपको एक ऑफरिंग दे रहा है जनकपुरी के अंदर टॉप टीचर्स के साथ में, और कुछ यूएसपीज के साथ में, एकेडमिक मेंटर्स हैं हमारे पास, क्लास में हम लोग क्लिकर्स यूज करते हैं, तो ये सब पता भी तो चलना चाहिए।
तो अजय सर, केमिस्ट्री में क्या आप तो फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब आप ही को अभी बताना है इस सेशन में आप अकेले हैं जी, सर एक बार में पूरा बढ़िया से गाइड कर दीजिए बच्चों को ताकि केमिस्ट्री की ना टेंशन एकदम खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली थोड़ा सा मैं एक साथ पूरी केमिस्ट्री को गाइड करने से अच्छा है सर थोड़ा सा इसको मैं तीन पार्ट में ही तोड़ूंगा क्योंकि बच्चों के कंफ्यूजन भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं सर। तो अपन फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को तीन अलग अलग सेगमेंट में रख रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी मैं जो अभी करेंट में जो मैं फेस कर रहा हूँ बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा आ रही है ऑर्गेनिक में, और फिर प्रायोरिटी बेसिस पे देखें तो इनऑर्गेनिक में और फिजिकल इक्विवेलेंट हो जाता है। और वही जेई का बच्चा होता है तो सर उसको ज्यादातर दिक्कत होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, लेकिन नीट के बच्चे होते हैं तो उन्हें फिजिकल में भी प्रॉब्लम होती है सर। तो थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक को लेके बात करूं सर, तो ऑर्गेनिक में बच्चे क्या करते हैं सर, जैसे फिजिकल का कोई चैप्टर है सपोज दैट हमने थर्मो पढ़ा या हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, कोई भी चैप्टर, तो हमसे यदि वो चैप्टर छूट जाता है तो हमें उस चैप्टर का कोई भी मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगा सोल्यूशन पढ़ने में, या केमिकल काइनेटिक्स को मतलब इंटरकनेक्ट कर रहा होगा तो वहां पे दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। लेकिन ऑर्गेनिक को बच्चे क्या करते हैं कि जैसे वो 11th का सेगमेंट सोचते हैं कि वो चैप्टर वाइज उसको देखते हैं, और जैसे ही वो चैप्टर वाइज उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है सर कि कॉन्सेप्ट लैग करते हैं। अब बच्चा 11th का टॉपिक पढ़ रहा है सपोज हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन मेथड में आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हो सकता है एल्किल हैलाइड हो सकता है वो अल्कोहल के चैप्टर से आ रहा हो सकता है वो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर से आ रहा हो सकता है वो अमीन या एसी डेरिवेटिव से आ रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है हाइड्रोकार्बन, कॉन्सेप्ट उसके पास नहीं है। तो सर थोड़ा सा बच्चों को प्लानिंग चेंज करनी चाहिए कि हमें ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ऑर्गेनिक पूरा एक चैन है, सीरीज है सर। यदि हम आईपीएससी से स्टार्ट करते हैं तो हर एक चीज हमको आनी चाहिए, वो आईपीएससी नेमिंग हो, आपका आइसोमेरिज्म हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हो, जीओसी हो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए सिस्टमैटिक। फिर ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाती है, जो आप चैप्टर वाइज काउंट करते हो वो कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आसपास ही घूमेगी। तो बच्चों को इस समय थोड़ा सा ऑर्गेनिक में खासकर एक तो कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, और दूसरी चीज है सर एक फ्लो डायग्राम, हमारे पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए रिएक्शन की, जो बराबर रिएक्शन आ रही है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि हमारे नीट में जो नेम रिएक्शन होती है सर, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कन्वर्जन रिएक्शन होती है, थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अब वो बच्चा जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है वो तो बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन वो बच्चे जो सीधे सीधे रिएक्शन को रट रहे हैं वो रिएजेंट पहचान ले रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन मेजर और माइनर प्रोडक्ट नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं उसको, इसके लिए सर हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेगमेंट पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि वहां से वेटेज भी ज्यादा है क्वेश्चन का, और यदि वो अच्छा हुआ तो आगे के चैप्टर अपने आप अच्छे हो जाते हैं ऑर्गेनिक में। अब रही इनऑर्गेनिक की बात मैं करूं सर, जैसे आपने पूछा केमिस्ट्री की ओवरऑल, तो इनऑर्गेनिक में समस्या जो बच्चों को आती है एक तो होता है कॉन्सेप्ट से चलते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट जहां लगता है वहां तो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट से हट के चीजें एक्सेप्शनल आ जाती हैं तो एक्सेप्शनल चीजों में होता क्या है कि बच्चे को रटना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि जैसे हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी उठाया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आयनाइजेशन एनर्जी का कोई ट्रेंड है किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट कोई वेरी कर रहा है, तो हम जब भी रिवाइज करें तो उसको अंडरलाइन कर लें या साइड में नोट्स में अपने लिख लें, जिससे कि हम क्विक रिविजन कर सके। हमें पैटर्न नहीं अब पढ़ना है बार बार कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, हमें केवल उन पॉइंट को हाईलाइट कर देखना है जो एक्सेप्शनल है, जो गलती हो जाती है। और इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा वेटेज यदि हम देते हैं तो हमें देना चाहिए एक आपका केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, और जो पोर्शन अभी सर एक क्वेश्चन शायद आपके पास अभी फिजिक्स में आपने पूछ भी रहे थे सर अब्दुल सर से कि आपने पूछा था सर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सेम चीज केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ रही है। इवन मैंने देखा कि जेई मेंस में एनडीए ने क्या किया सर कि उन्होंने क्वेश्चन जो रिड्यूस सिलेबस थे उससे भी कुछ क्वेश्चन दिए। अच्छा
लेकिन उसका कोई सलूशन अभी तक आया नहीं कि हम क्या करेंगे, उसे कॉमन मार्किंग करेंगे या कुछ। बच्चों ने नो डाउट उसको कंप्लेन किया है, लेकिन उनके पास बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जहां पे उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देंगे कि वो सिलेबस का ही है जी। जैसे हमारे नीट के बच्चों को मैं बोलूं, केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हटा दिया गया है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि एस ब्लॉक का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जाता है। अब लैटिस एनर्जी का कोई क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी का कोई क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग के एप्लीकेशन हो जाते हैं, लेकिन वो एस ब्लॉक में दिए गए हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एस ब्लॉक गायब हो चुका है। तो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारी चीजें, तो एस ब्लॉक की आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कंपाउंड सारा आपने आयनिक बॉन्ड में पढ़ लिया, आयनिक कंपाउंड में पढ़ लिया। तो थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों का क्लियर करना चाहिए हम लोग को सर, कि वो बच्चे पूरा पढ़ के जाए, छोड़े नहीं सर, क्योंकि उस सेगमेंट से जो रिड्यूस हुआ है ना, वहां से क्वेश्चन आएगा भी ना सर, बहुत आसान आएगा क्वेश्चन जी। जी सर, और फिजिकल ऑलमोस्ट बच्चों के साथ कुछ चैप्टर है, जैसे एक थर्मो है सर, मैं थर्मो में बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि थर्मो डायनेमिक्स में प्रॉब्लम हो तो छोड़ो, आप थर्मो केमिस्ट्री करके जाओ, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आप डेल्टा जी डेल्टा एच टीन टू डेल्टा एस का रिलेशन देख लो, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, हर साल क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लो, हीट कंबशन देख लो, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन देख लो, मत जाओ फिजिक्स वाले सेगमेंट की तरफ बहुत ज्यादा, जहां आपको दिक्कत होती है, खासकर नीट के बच्चों को right. तो और आयनिक में दिक्कत होती है थोड़ा सा सर, बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन में एग्जामिनर बफर सॉल्यूशन भी बनाता है, सॉल्ट एनालिसिस भी करा देता है, और बच्चे को नॉर्मल पीएच का भी क्वेश्चन वहां से बन जाता है, और बच्चा यदि उस पैटर्न में पढ़ाई नहीं किया है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो रट के गया होता है बफर के पीएच का फॉर्मूला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में ये चीज हाइड होगी, कि आपको कहीं मेंशन नहीं होगा कि उसमें बफर का वो क्वेश्चन है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, आपको खुद कंडीशन से पहचानना होगा कि क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला वहां अप्लाई करना है, तो इसलिए वजह से भी बच्चों को दिक्कत होती है सर। बाकी फिजिकल में हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और फिजिकल का थोड़ा सा सर इनको फॉर्मूला चार्ट बनाना पड़ेगा, खासकर सोल्यूशन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सोल्यूशन के लिए इनको आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल, निगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन एग्जाम्पल, एक नोट्स अपनी शॉर्ट नोट बना लें, फॉर्मूले सारे फिजिकल के जितने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नीट में मैक्सिमम टाइम देखा गया है फॉर्मूला टू फॉर्मूला क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि फिजिकल तो बहुत आसानी से ये कर सकते हैं बच्चे, यदि इन्होंने फॉर्मूला सीट बना के रखी होगी तो जी। और सर प्लीज सर अब कोई और क्वेश्चन थोड़ा सा जी। बहुत बढ़िया गाइड किया सर आपने, मतलब मैं इतने ध्यान से सुनने लग गया था, मुझे अपने प्रिपरेशन के टाइम याद आ गए, मेरे को भी केमिस्ट्री से थोड़ी नफरत सी थी, आपके जैसे कोई टीचर मिल गया होता तब तो बहुत अच्छे से समझा देता और बेटर हो जाती मेरी सिचुएशन। कोई नहीं सर, लेकिन सर फिजिक्स कैसे पढ़ाता कोई फिजिक्स कौन पढ़ाता सर ग्रेट। तो अब उन सब्जेक्ट्स पे आते हैं बच्चों जिनमें आप ऑलरेडी काफी कॉन्फिडेंट होते हो, और टेंथ के बाद आप है ना मेडिकल में आते ही इसलिए हो क्योंकि आपको बायोलॉजी बहुत पसंद होती है। तो ऐसा है कि ठीक है तुम लोग को आता है ये सब्जेक्ट, तुम्हें पता है कैसे कैसे करना है क्या क्या करना है, लेकिन अब इस वजह से ना यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा बायो स्ट्रांग है तो बाकी के जो मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उनका भी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए तुम देख ही रहे हो कि टॉपर 720 में 720 भी लाते हैं है ना, और 360 में से 360 भी लाते हैं। तो वेंकटेश सर से जानना चाहेंगे कि सर कैसे मैनेज किया जाए कि बहुत अच्छा नंबर आ जाए, कोई क्वेश्चन मिस ना हो। और एक सवाल सर बहुत सारे बच्चों का मतलब मेरे पास आता रहता है कि सर सिर्फ एनसीईआरटी एनएफ होगा या फिर जो मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे कोचिंग्स में तो वो भी हमको करना चाहिए क्या? ऑलराइट सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं आपको लाइक दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। हम सब अलग अलग इंस्टीट्यूट से वेदांतु से जुड़े हैं सर, और आप गौरव सर हर्ष प्रियम सर ऐसे सर्स को हम लोग ने पहले भी यूट्यूब में देखा, आप इतने सारे बच्चों को कनेक्ट करते हो उनके सिलेक्शन तक लेके जाते हो, तो आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने में हमें ट्रूली बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
सेकंड सर मैं ब्रीफली खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बच्चों के लिए कि हेलो बच्चों, मेरा नाम वेंकटेश है और बच्चों मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ पिछले 8 ईयर्स से। और बेसिकली मेरा एम बहुत ही सिंपल है कि मेरे बुढ़ापे का सारा ट्रीटमेंट फ्री हो जाए, तो मैं इतने सारे डॉक्टर्स बनाना चाहता हूँ। और आपके समान ही मैं भी जब अपने AIPMT की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बायोलॉजी की तरफ कुछ ज्यादा ही बायस था। मैं इतना ज्यादा बायस था कि मैं दोस्त भी सिर्फ नीट वाले और AIPMT वाले ही बनाता था और दिन भर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी किताब लेके ही पढ़ते रहता था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को काइंड ऑफ इग्नोर ही कर देता था। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना अपना साइकोलॉजी, सर की आवाज गई क्या? में रहना चाहते हैं, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से डरते हैं इसी रीजन के कारण। बच्चों याद रखना कि नीट का पेपर का पैटर्न आप देखोगे तो वही आपको आपके प्रिपरेशन का ब्लूप्रिंट दे देगा कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपके पास 3 आवर्स 20 मिनट्स है जिसमें आपको क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करने हैं बायोलॉजी में, लेकिन कम समय में आपको ज्यादा टाइम देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों ये बायस आप जितना जल्दी छोड़ दो आपके लिए उतना अच्छा हो जाएगा कि आपके प्रिपरेशन में भी आपको जल्दी सॉल्व करना है बायोलॉजी, जल्दी पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपके प्रिपरेशन में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों याद रखना कि NCERT का किताब इज अ वेरी वेरी वेल रिटन बुक और सबके पास सेम ही टूल है, दैट इज द NCERT का बुक। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि सिर्फ रीडिंग के साथ आपको सॉल्व नहीं करोगे तो आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि नीट के पेपर में आपको एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ। सपोज बच्चों आप लोग की ज्यादातर प्रिपरेशन हो चुकी है और आप खुद को रिवाइज करना चाहते हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में। तो बच्चों आप लोग है ना, जितने भी आप क्वेश्चन डिसाइड करते हो कि चलो आज हम लोग फॉर एग्जांपल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बच्चों याद रखना आप टाइम करोगे खुद को, आप जब घर पे भी सॉल्व कर रहे हो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसे 20 मिनट माइनस कर लो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद को 80 मिनट दे दो सॉल्व करने के लिए। एक बार आप सॉल्व करोगे तो आप गलती करोगे तो वो पॉइंट्स को आप फिर दोबारा रिवाइज करोगे NCERT से। इससे आप बार बार पढ़ने में बोर भी नहीं होंगे और आप वही टॉपिक्स कवर करते जाएंगे जो आपका वीकनेस है, और आप NCERT को इसके कारण 6 से 7 बार सेम चैप्टर को गो थ्रू भी कर लोगे। तो ये हो गया नंबर वन। दूसरा बच्चों, पिछले जब से नीट कंडक्ट हुआ है, बीच बीच में जब भी AIPMT हुआ है NCERT के बाहर से क्वेश्चन गए हैं, लेकिन जब तक नीट कंडक्ट हुआ है क्वेश्चंस NCERT से ही आए हैं। अब भले ही कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा इधर उधर चले जाओ, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप NCERT लेवल क्वेश्चंस मेनली सॉल्व करो। आप खुद को चैलेंज करना चाहते हो, आप डिफरेंट वराइटी ऑफ क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, असर्शन रीजनिंग, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, और फिर जो मैट्रिक्स मैचिंग होता है वैसे टाइप के क्वेश्चन, अब डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, लेकिन खुद को चैलेंज करने के लिए NCERT के बहुत बाहर मत चले जाओ। एंड रूल ऑफ थंब अगेन बच्चों, 2012 मैक्सिमम 2012 के बाद के ही PYQ सॉल्व करने हैं, उससे पहले NCERT भी अलग हुआ करता था, सिलेबस भी अलग हुआ करता था, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। तो याद रखना बच्चों 360 लाना ही है हमें, और ये मेरे 2-3 टिप्स थे सर बच्चों के लिए स्पेशली। ग्रेट सर, ग्रेट, आई एम श्योर ये टिप्स बहुत हेल्प करेंगे बच्चों को। और जैसा कि लास्ट में सर ने बोला ना 360 लाना ही है ना, तो फिजिक्स में भी 180 ही लाना है, 180 पॉसिबल है और केमिस्ट्री में भी। तो यस, दीपाली मैम आप बताएंगे थोड़ा बॉटनी के बारे में बच्चों को। हाँ जी, सो हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम दीपाली है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में की है, तो आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन विद ऑल द स्टूडेंट्स, बिंदास कुछ भी है अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाओ, कभी भी कॉल करो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, आई विल बी योर फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स टू द जनकपुरी सेंटर। थैंक यू टू गौरव सर फॉर कनेक्टिंग अस टू सो मेनी स्टूडेंट्स देयर। और मुझे पता है कि आप लोगों को बॉटनी ज्यादा पसंद नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद है आपको, है ना, डॉक्टर बनना है इसीलिए हमने ले लिया, बट बॉटनी करना पड़ रहा है मजबूरी में।
बट ठीक है, कभी कभी सैर करने जाते हैं तो आसपास पौधे अच्छी हवा देते ही हैं हमें, है ना। तो इसीलिए बॉटनी भी जरूरी है और जूलॉजी जितना ही जरूरी है। सो बच्चा पार्टी, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को ऐसे पढ़ते हैं कि अच्छा हमारी बॉडी पे ये रिएक्शन हो रही है, मलेरिया हो रहा है, तो हम जब बॉटनी पढ़ते हैं तो ये सोच के पढ़ो कि मैं एक पौधा हूँ, है ना। जब खुद को एक पौधा समझ के पढ़ोगे सो यू विल ग्रास्प द कॉन्सेप्ट इजीली, और जैसा एप्लीकेशन आपका जूलॉजी में होता है वैसा बॉटनी में भी फील होगा। और मैं बॉटनी की बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि आप एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन चीजों की रिएक्शन और इतने मैकेनिज्म्स, इतने एग्जांपल्स रट रट के आपको लगता है कि व्हाई आर वी डूइंग इट। तो बस आई विल एंड इट ऑन अ नोट कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपसे इतना सब काम हम एक्चुअली करा क्यों रहे हैं। अब सपोज करते हैं फॉर्चुनेटली आप सब डॉक्टर बन गए, इमेजिन कीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास एक केस आता है इमरजेंसी का। आपके पास जब एक इमरजेंसी का केस आता है, नाउ इट इज चेकिंग व्हाट, वो चेक कर रहा है कि आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करेंगे चीजों के साथ। तो एग्जामिनर ने सेम अभी आपको इतना सारा लोड क्यों दिया, 11th, 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ताकि जब आपके पास इतना सारा लोड होता है तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सो वॉट एवर यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, क्योंकि आगे बर्डन और बढ़ने वाला है। टेक इट एज अ चैलेंज कि एग्जामिनर बस ये चेक कर रहा है कि जब आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाएं तो आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। तो एग्जाम डे को पिकनिक डे की तरह लेकर चलना कि भाई आज तो पढ़ना नहीं है, बेस्ट पार्ट, आज टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, ये काम करना है, ये काम करना है, आज हमें सिर्फ टेस्ट देना है और अपना बेस्ट देना है विदाउट लुकिंग एट कि हमारे साथ वाले को कितना आता है। क्योंकि आई वुड बी डूइंग इनजस्टिस टू माई सेल्फ अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करके आऊं साथ वाले को देख के, है ना, मेरी 2 साल की तैयारी वुड ऑल बी इन वेन। सो कॉन्फिडेंस से पेपर करना, हंसते मुस्कुराते करना और खुश रहना तो पेपर अच्छा जाएगा। दैट इज इट फ्रॉम माय एंड सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट मैम। सचिन सर, आप कुछ और गाइड करना चाहते हैं बच्चों को? हाँ जी सर, 2022 में जब मेरे टॉप 1000 AIR जो बच्चे थे नीट में, उसमें से 7 टॉप AIR मेरे स्टूडेंट्स थे, और उस वक्त मैं बहुत खुश नहीं था। ऐसा इसलिए सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लगभग 3 दर्जन बच्चे जो है वो टॉप AIR में आ सकते थे 1000 में। सर कुछ बच्चों की ऐसी कहानी है कि उन्होंने पेपर में तो 700 प्लस स्कोर कर रहे थे वो, लेकिन जब OMR शीट में जब उनका रिजल्ट्स आया तो वो 350 के आसपास सिमट गए। उन्होंने OMR की सीक्वेंसिंग गलत कर दी थी। सर एक छोटा सा केयरलेसनेस, इट कैन रियली कॉस्ट वेरी हेवी फॉर अ स्टूडेंट। उसके ड्रीम, उसके एस्पिरेशन सब एकदम से क्रैश कर जाते हैं। सर बच्चों, जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग एक्सपीरियंस की, तो आप सोचिए कि हम कितने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स की कहानी, उनकी जो प्रॉब्लम सामने आई उनका हम आपके सामने एक साथ मर्म रखते हैं, शेयर करते हैं कि कैसे आप वो जो गलतियां दूसरे बच्चे कर गए पास्ट में वो आप ना करो, वो हम सीखने का मौका हमें मिलता है। तो ये एक बहुत बहुत जरूरी चीज है कि एक्सपीरियंस टीचर से आप ये सारे टिप्स जरूर लें समय रहते। दूसरी चीज बच्चों, बेटा आप जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हो और मान लीजिए कि आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया पहले सॉल्व करने के लिए, और उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके 5 मिनट चले गए, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको वो पैनिक क्रिएट करेगा और टाइम मैनेजमेंट खराब होने की वजह से टाइम बॉम्ब अलग से टिक करेगा माइंड में। अब अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो भी टाइम बॉम्ब टिक करता रहेगा आपके माइंड में। दैट मींस इट इज नेवर अ गुड स्ट्रेटजी टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस और लेंथी क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड। और एक बात मैं यहां पर, गौरव सर आप बता रहे थे कि लेंथी क्वेश्चंस जब हमारे पास में होते हैं बहुत, तो लेंथी क्वेश्चंस में हमें अगर एक, हम इंग्लिश में पढ़ा करते थे रीडिंग स्किल, तो कौन से लाइन हमारे लिए यूजलेस है, जैसे वेयर एक्स इज इन मीटर्स, टी इज इन सेकेंड्स एंड एम इज इन केजी, तो ये जानबूझ करके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाला गया है क्योंकि ये ना लिखा जाए तब भी बच्चा उसको हैंडल कर सकता है।
तो काम की बात क्वेश्चन में कौन सी है, अगर हम उसको पिक करते हैं तो हम क्वेश्चन को जल्दी डिकोड कर पाते हैं और करेक्टली डिकोड कर पाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप होता है। घर पर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो और आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ पर्टिकुलर चीजें कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर टाइप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वेक्टर्स की वजह से आ रहा हो या आपके वर्क एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है उसकी वजह से आ रहा हो, या ग्रेविटेशन में कुछ पार्ट आपने मिस किया था, क्योंकि एक सिमेट्री है। फिजिक्स के सारे लॉज जो हैं, जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, वो सारे सिमेट्री के लॉज पर ही बने हुए हैं। तो अगर सिमेट्री को अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए टफ टास्क लगता होगा। मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताऊं कि पिछले 32 इयर्स जितने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, 32 इयर्स में मैंने इस बात को बार बार नोटिस किया है कि नीट के आए हुए क्वेश्चंस में हार्डली आपको पेन छूने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार जनकपुरी सेंटर पर आकर के आप हमसे जो भी डाउट्स आपके नीट के लगते हैं, मैं किसी भी ईयर के 2 या 3 क्वेश्चन को सिर्फ माइनस करूंगा, उसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चंस आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैं दावा करता हूं और वो मैं करके हर साल दिखाता हूं बच्चों को। आप भी कर पाएंगे ऐसा, एक बार कोशिश कीजिए, एक बार आकर के हमसे डाउट्स पूछिए और फिर देखिए कि किस तरह से फिजिक्स को मैजिकली खेलना सीख सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपके लिए गुड न्यूज ये भी है कि 6 मार्च को मैं जनकपुरी सेंटर जा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ चलो और ये जो अमेजिंग एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के जनकपुरी सेंटर पे, उनसे जाके खूब डाउट पूछो, अपना गाइडेंस लो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानो और देखो कि असल में पढ़ाई का माहौल आखिर होता कैसा है ना, एक्सपीरियंस करो उस चीज को और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो 6th मार्च 7th मार्च 2 दिन मैं वहां पे सेंटर में रहूंगा, सारे टीचर्स वहां पे रहेंगे एंड जैसा कि सचिन सर ने ऑलरेडी इनवाइट आपको कर ही दिया है, हम भी सभी टीचर्स की तरफ से आपको इनवाइट करते हैं, आइए जरूर, है ना, और बहुत कुछ आप सीखेंगे उस सेंटर में, बहुत मजा आएगा। इट वॉज अ वेरी फन सेशन एंड वेरी यू नो एनलाइटिंग सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से बहुत मजा आया और मैं बहुत श्योर हूँ कि बच्चों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। और बच्चों अगर आपको ऐसे और सेशंस इन टीचर्स के साथ चाहिए तो मुझे जरूर बता देना, है ना, मैं और भी हमारे चैनल पे इन एक्सपर्ट्स को लेके आऊंगा बार बार, और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली जनकपुरी सेंटर आइए, 6th और 7th को मैं भी वहां पे रहूंगा, ठीक है। अमेजिंग टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड गिविंग योर सर, थैंक यू सर, सर आप जनकपुरी आएंगे तो आपको स्पेशल खाना तो बता दीजिएगा सर, स्पेशल खाना आपको कुछ स्पेशल कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा सर, हम रेडी रखेंगे पहले से, दिल्ली का स्पेशल हो बात खिला दो ना सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इट वाज नाइस मीटिंग यू सर, चलिए यस, थैंक यू सर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।